है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो टुडेज व्लॉग इज टोटली फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं करंटली एक वीज़ा एप्लीकेशन और वीज़ा प्रोसेस के लिए फॉलोअप्स ले रहा था, और प्रोसेस में था तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए भी ये कुछ शेयर कर दूँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है और जो मैंने प्रोसेस किया है। सो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली मैं शेंगेन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा था। शेंगेन कंट्रीज़ में मतलब उसमें अराउंड 26 कंट्रीज़ आते हैं जो पूरा अथॉरिटी है। मैं नीदरलैंड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था सब डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो कल मैं जाके भी आया हूँ मुंबई में। VFS एजेंसी है, वो एक थर्ड पार्टी है जो हमें एम्बेसी के साथ कनेक्ट करने के लिए मतलब सेटअप किया है। हमें डायरेक्टली एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और एक्सेप्टेंस के लिए। ये जो थर्ड पार्टी से वो हमको ये सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके हमारा एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करती है। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मैं कल जाके आया हूँ मुंबई में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, फीस कितना। तो मेरा अपॉइंटमेंट टाइम था 11:30 का। मैंने एक्चुअली ट्रेन बुक किया था फ्रॉम नासिक। सो मैं मॉर्निंग में निकल के 11:30 के पहले जाने का सोच रहा था, बट सडनली रेनफॉल की वजह से जो टाइमिंग्स था, शेड्यूल्स था ट्रेन का, वो डिले हो गया था। सो सडनली मैंने कार बुक करके अपना जो ट्रैवल प्लान था वो चेंज कर दिया। तो सडनली मुझे मिल गया है, बट आप ऐसा मत करना, थोड़ा बफर टाइम रखना। जो अपॉइंटमेंट है आपका 11:30 के रहेगा तो, और मॉर्निंग का जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा तो आप एक दिन पहले ही जाके वहाँ पे सब कुछ अच्छे से जाओगे, तो मतलब मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा। मेरे जैसा मत करना, मैंने ये गलती किया। तो मैं एकदम कट टू कट टाइमिंग पहुँचा था, मेरा 11:30 में था, तो 11:15 पहुँचा जो अभी है महालक्ष्मी, जो वेस्टर्न लाइन में आता है। तो आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो आपको इजी है, अगर आप सेंट्रल रेलवे से जा रहे हो तो आपको दादर स्टेशन उतर के फिर वेस्टर्न लाइन के दादर स्टेशन पे जाके महालक्ष्मी का जो लोकल है स्लो लोकल पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज आप फास्ट पकड़ोगे तो महालक्ष्मी स्टेशन पे नहीं रुकेगा। फिर महालक्ष्मी स्टेशन पे उतरने के बाद आप वेस्ट साइड में जाके कैब वगैरह और बाय वॉक भी जा सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही नज़दीक है फ्रॉम स्टेशन। सो जो है ना वो फेमस स्टूडियो के बैक साइड में है। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद अथॉरिटीज़ आपको पूरा गाइड करती है कैसे जाना है क्या जाना है। तो फर्स्ट लेडी है वहाँ पे जो उनकी एम्प्लॉय है VSFQ, आपका डॉक्यूमेंट देखती है, आपका कहाँ जाना है डेस्टिनेशन उसको पूछती है। देन वो पूछती है कि आपको प्रीमियम लॉन्च सर्विस चाहिए या नॉर्मल सर्विस चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, प्रीमियम लॉन्च भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल लिया था बिकॉज मेरे पास सब डॉक्यूमेंट रेडी था और मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और डिपेंडेंट रहना नहीं था, तो मैंने नॉर्मल सर्विस ही लिया था। देन आपको सेकंड फ्लोर पे जाके आफ्टर ऑल चेकअप्स लाइक योर वॉलेट, योर बैग्स, ऑल एवरीथिंग विल बी चेक देयर। तो आप लैपटॉप और पेन ड्राइव जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स तो ले जा सकते। यू कैन कैरी योर मोबाइल्स, सो मोबाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक नॉर्मल पेपर टोकन दिया जाएगा जिसमें आपका नंबर रहेगा, वो जो आपका कंट्री से उस डेस्क पे आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट होना चाहिए। सो आप जाने के पहले सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना अच्छे से चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग, सब अटैच्ड है लगा हुआ ने। और मेन पासपोर्ट लेके जाने का मत भूलना, बिकॉज विदाउट पासपोर्ट यूर प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। सो पासपोर्ट, प्लीज़ कैरी योर पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं जिस कंट्री में भी जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन फिल रहना चाहिए। मेरे बाजू में 3 बंदे आए थे जिन्होंने वो एप्लीकेशन फॉर्म हैंड रिटर्न किया था। सो दे ऑलरेडी डिक्लाइन देयर प्रोसेस एंड चार्ज अराउंड 2000 रुपीज़, लाइक दे हैव टू टेक प्रीमियम लॉन्च सर्विस। इन प्रीमियम लॉन्च सर्विस सब कुछ मतलब वो लोग कर लेंगे, आपका फोटोज़, एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ओनली यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल लाइक ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको चेक लिस्ट दिखा देता हूँ जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आता है, हमको ऑल डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना रहता है। तो लेट मी शो, आप देख सकते हैं जो चेक लिस्ट है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे मैंने बताया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो ऑल टाइप पेजेस है पासपोर्ट्स के वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब मैं लेके गया था प्रिंट आउट्स, बट उन्होंने
मतलब हटा दिए थे वहाँ से पेजेस वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स. और पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच यू लिव द शेंगेन एरिया. सो ऐसा है सब डॉक्यूमेंट्स के कंडीशन है पासपोर्ट के. एविडेंस ऑफ लीगल रेसिडेंस, तो लीगल रेसिडेंस मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. अगर आप किसी और लोकेशन पे रह रहे हो तो आपको मतलब रेंट एग्रीमेंट और समथिंग आपके पास होना चाहिए. देन फोटो, तो फोटो के गाइडलाइंस उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट दिया है, वहाँ पे पूरा गाइडलाइंस है. तो 35x45 mm का जो फोटो साइज है वो रहना चाहिए. देन प्रूफ ऑफ ट्रैवल, लाइक यू हैव टू बुक लाइक रिटर्न टिकट चाहिए आपके साथ रिजर्वेशन किया हुआ. देन लॉजिंग का, वहाँ पे आप रह रहे हैं तो उसका भी पूरा आपके पास बुकिंग्स रहना चाहिए. देन इन्विटेशन लेटर, जो अगर आप कंपनी स्पॉन्सर्ड हो तो इन्विटेशन लेटर चाहिए जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं. देन आपको कवर लेटर चाहिए जिसपे आपका डेट वगैरह किस पीरियड में जा रहे हैं वो सब डिटेल्स का कंडीशंस फॉलो होना चाहिए. देन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ITR हो गया, देन सैलरी स्लिप्स हो गया, देन जो बैंक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए, जो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है वो चाहिए. सो ये पूरा चेकलिस्ट था जो मैंने आपको दिखाया, उसके अकॉर्डिंगली सब डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए और फुल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं चाहिए उसमें से. अदरवाइज दे विल चार्ज यू द वीज़ा एप्लीकेशन फी, बट यूर वीज़ा विल गेट रिजेक्टेड एंड फी विल नॉट बी रिफंडेड एज पर देयर फॉर्म. डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट करना है. वहाँ पे भी एक आपको इलेक्ट्रॉनिक टोकन दिया जाता है, जिस जो अनाउंसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उस नंबर डिस्क नंबर पे जाके वो सब डेटा एंट्री हो जाता है आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का, और आपको पेमेंट करना रहता है. वहाँ पे दोनों पेमेंट मोड अवेलेबल है, जैसे कि कार्ड पेमेंट से और कैश. सो मैंने कार्ड पेमेंट ही किया था. देन उसके बाद आपका जो डॉकेट बन जाता है पूरा, उसको लेके आपको बायोमेट्रिक के लिए अनाउंसमेंट होता है. बायोमेट्रिक होने के बाद देन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप वहाँ से निकल सकते हैं. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए अपना जो पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट हुआ वहाँ पे वो जमा कर लेते हैं, उसको कुरियर भी करते हैं वापस विथ वीज़ा. तो वो डॉक्यूमेंट वापस कुरियर करने के लिए आपको सही से एड्रेस डालना रहेगा और अच्छे से पूरा डिटेल एड्रेस रहना चाहिए, बिकॉज वो जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वहाँ पे ही डिलीवर होगा. और उस वहाँ पे एक स्लिप मिलता है, एक्नोलेजमेंट स्लिप, तो आपको संभाल के रखना है ताकि जब पासपोर्ट कुरियर हो जाएगा तब आपको दिखाना पड़ता है ताकि वो पासपोर्ट आपके पास डिलीवर हो. तो यही सब था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. तो मे बी आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये वाला ब्लॉग. तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड आपको लग रहा है कि किसी और के भी काम में आ सकता है ये इन्फॉर्मेशन, तो आप शेयर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.